तो जय मानना देवी, तो आ चुके हैं न्यू ब्लॉग के साथ वापिस। तो आज हमें जाना है नानी के घर। और भाई, नानी के घर तो जाएंगे शाम को, पर अभी तो हमें बनानी है वीडियोस। तो सबसे पहले अभिमन्यु को देखते हैं, कहाँ है, इधर है या इधर है, उसको ढूंढते हैं। जाने की आयुष को सबसे पहले आयुष को ढूंढते हैं, फिर बनाने चलते हैं अपन वीडियो कहीं। इधर तो देखो आयुष तो सो रहा है इधर वाले रूम में। देखो ओए आयुष, आयुष उठ जा यार, सोने देना। उठ जाना, वीडियो बनाने चल रहे हैं। कौन सी वीडियो है? एक वीडियो वीडियो बनानी है उधर, वीडियो बनानी है। चले चल जा, बड़ा भैया बुला रहा था। चले चड्डी चड्डी में चलेगा क्या? शर्म नहीं आ रही तो? बच्चे थे ना तब ये चीज बढ़िया थी, चड्डी चड्डी में कहीं पे भी चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। पर अब कहीं जाएंगे ना चड्डी चड्डी में, जूते पड़ेंगे 100% गारंटी के साथ। मेरी मामी कर रही है पोताई, इसको हमने 150 रुपया दिया था मामी को। आई एम जस्ट किडिंग गाइस, मामी है, करना तो पड़ेगा। मम्मी की हेल्प, मेरी मम्मी की हेल्प करने के लिए आ गई। अब हम इनकी हेल्प करने के लिए नानी के जाएंगे। अब नहीं भैया, तेरा काम हो गया सारा, हो गया सारा काम। हाँ। चलो फिर भी ठीक है, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा वहाँ जाके, बस बैठना और खाना है मामा के। ना ठीक काम है ना मेरा, बस बैठ के खाने का, ठीक है ना? मैं कुछ भी नहीं करने वाला, मैं बस बैठ के खाऊंगा। तो भाई घर में तो देखिए क्या कर रहा है, स्नीकर्स में बद्दी डाल रहा है। भाई कितने का लाया ये, सच सच बताओ? 70 रुपए 70 गाइस, 70 रुपए के। हे गरीब, बस तेरी इतनी औकात थी मुझे पता था, 70 रुपए। खैर मेरी भी तो इतनी औकात है भाई। एक काम कर दे, मेरे लिए भी ऑर्डर कर देना, अगर ये 70 रुपए के हैं तभी ऑर्डर कर। 1.5 लाख का फोन लिया, 70 रुपए जुत्ती पाए भाई, शर्म आती है। डरो डरो भगवान से डरो। गाइस मेरी बस अभी औकात 150 की भी नहीं है, ओनली 70 रुपए की है। भले ही मैंने फोन iPhone 14 Pro Max है मेरे पास 1,45,000 का, पर जेब में रुपया 70 रुपया भी नहीं है, कोई मम्मी से मांगने पड़ेंगे। हे गरीबी कब जाएगी तू? हे गरीबी कब जाएगी रे तू, कब जाएगी? जा जा उड़ जा कावा का, उड़ जा काले कावा। अभी आ चुके हैं छत पे, इसकी वीडियो बनानी थी शानदार सी। ये पूरा रेडी शेडी होके आ चुका है। तो हम ऊपर शॉर्ट्स लेने गए थे, वीडियोस बनाने गए थे, वो बनके वीडियो भी बना ली, एडिट भी कर ली, सब कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनली आपको अब दिखाते हैं, पर आपको म्यूजिक नहीं सुना सकता मैं, ये तो कॉपीराइट आ जाएगा। करना चालू करूँ मैं, बस प्रॉब्लम ये है कि आपको बस म्यूजिक ही नहीं सुना सकता मैं। ये वीडियो आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रही है इंस्टाग्राम पे, ये वाला म्यूजिक जो जिस पे इसकी ऐसे एडिट करके वीडियो बनाई, ये वाला देखिए हमारा सस्ता डोरा डोरीमोन। नहीं डोरा, इसको डोरा पसंद ना, डोरी डोरीमोन, डोरा डोरीमोन, डोरा डोरा। बेटा नोबिता गुस्सा आ जाएगा, वो सीजी को आकर लेके भाग जाएगा रेंज में। अरे कोई ना, इसकी सिस्टर है वो। किसकी सिस्टर है? डोरीमोन की, डोरीमोन की सीजू का सिस्टर। उसको तो मैं भगाना चाहता हूँ। उसको तू भगाना चाहता? नोबिता तुझे ना खा जाएगा, नोबिता मैं नहीं खा सकता। तू नहीं खा सकता, वो तुझे खा जाएगा, वो सही बोल रहा हूँ मैं। नोबिता बहुत सीरियस है सीजू के लिए, तेरी कसम। पता नहीं है क्या तेरे को कितना सीरियस है वो? मुझे सीरियस नहीं पता। दोनों तो ना सो गए, देखो उधर वो सो रखा है, इधर ये सो रखा है। बस मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही कसम से। और मैं अब इनके उठने का इंतजार कर रहा हूँ, कभी उठे और कब हम मस्ती चालू करें अपनी। तो 4-5 बजे का टाइम हो चुका है, अभी जल्दी उठ जाओ। एक और चीज़ दिखाऊँ आपको, तो इधर मम्मी कर रही है पोताई, ये देखिए। और यार एक चीज़ कैंसिल हो गई हमारी, नानी के जाना कैंसिल हो गया आज मेरा, आज शायद कल या परसों जाएंगे अब।
आज हमारा पेंट का काम रह रहा था इसलिए नहीं जा पाए, अब बाद में देखेंगे। तो चलो पेंट वगैरह मम्मी की हेल्प करवा लूँ मैं पेंट में। अभी एक कांड हो गया था, मैंने पोताई वगैरह जैसे कंप्लीट की ना 15-20 मिनट में कर दी थी मैंने, मम्मी के साथ हेल्प कर दी थी, तो मैं ना इनको देखने आया तो ये सो रहे थे, तो मैं अपने रूम में जस्ट जाके ना फ़ोन को चार्ज लगाया मैंने अपने आईफोन को, तो ये 30% था, तो चक्कर में चार्ज लगा दिया और बस मैंने एक ही पलटी ली बिस्तर पे, उसमें मेरी आँख लग गई और अब 7 बजे जाके उठ रही है वो, अब 7 बजे जाके खुली मेरी आँख, ऐसा पोपट हुआ मेरा बहुत तगड़ा वाला। अब ये तो लग रहे हैं फ्री फायर में दोनों, काफी प्रो प्लेयर हैं दोनों, टूर्नामेंट खेलेंगे। ये क्या बोल रहा था गाइस, ये गाइस फ्री फायर बैन हो जाए उसमें मेरी बहुत पुरानी यादें हैं। साले अभी 6 साल का तो तू पूरा है अभी, और तेरी कौन सी यादें हैं, कौन से टूर्नामेंट खेलता रहा है? 5-6 साल का तो तू पूरा है, 5-4 साल पहले की यादें गई, 5 साल का तो तू पूरा अब है, अब पूरा 7 साल का ये, तो 2 साल का था तब तो खेल लेता था क्या? तब तो गए ये पतीला बेटा, तो 2 साल का था ना तब तो फटाके चला देते थे, रोने लग जाता था। हाँ ये जब अभी अभी इसकी पिछले साल आदत हटी है, जब ये 2 से 7 साल के बीच में जो इसकी टाइम पीरियड गया है जो इसकी एज का, उसमें ये फटाकों से बहुत डरता था, लाइक रोने लग जाता था जब भी पटाखे ऐसे बोल दो पटाखे चलाने जा रहे हैं तो उसमें मत नहीं ऐसे, मतलब बुरा बहुत बुरा रोता था, जैसे तो जान ही निकल गई उसकी, इतना गंदा रोता था। और ये फिर इतनी बड़ी बड़ी फुकड़ी मार रहा है, इसकी पिछले साल इस आदत हटाई है ये डर की, पटाखों से डर लगता है। तो हम चलाएंगे अपने देसी नुस्खे के साथ पटाखे, कैसे चला रहा है रे? और बांध रिया बांध क्यों रहा है, ज़्यादा आवाज करे? आई डोंट नो एक्सपेरिमेंट। यस गाइस इस आवर एक्सपेरिमेंट, हम वो मुर्गा छाप को बांध के चलाएंगे, हाँ उसको मलम पट्टी कर रहे हैं अभी हम, उसकी मलम पट्टी हो चली है। चलो अब चलेगा ये, लगा दे मोमबत्ती में आग, क्या बोल रहा हूँ मैं, मोमबत्ती नहीं पटाखे में आग। हाँ ये जो बच्चा पिछले साल ड्रा करता था ये इतना फड़फड़ा क्यों रहा है? वाओ फटाका तो उसके अंदर ही फंस के रहेगा, वाओ। तो चलो गाइस इस व्लॉग को करते हैं यही एंड, आपसे कल मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, तो बाय बाय, जय जय मान्यणा देवी।